वेलकम टू माय चैनल लिव हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ढोकला बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। ढोकला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स: बेकिंग पाउडर, साल्ट, हल्दी, मस्टर्ड सीड्स, शुगर एंड लेमन। एक बाउल बेसन लेंगे, साथ में दही लेना है और ये है सूजी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके इस तरह से घोल बना लेना है। सिर्फ मस्टर्ड सीड नहीं डालने इसमें। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। बैटर को अच्छी तरह फेंटें। एल्यूमिनियम का बाउल लेकर इस प्रकार से ऑयल लगाएं। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है। प्रेशर कुकर में एक कप पानी डालकर बाउल को हमने अंदर रखना है। कुकर बंद करें, लेकिन आपने ऊपर विसल नहीं लगानी है। 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें। बाउल निकाल कर इस तरह से चेक करें कि ढोकला अंदर तक कुक हुआ है या नहीं। राई को इस तरह से भूनें। ढोकला थोड़ा ठंडा होने पर इस प्रकार से बाउल से बाहर निकालें। देखें हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। ढोकले को स्मॉल पीसेस में कट कर लें। ढोकला बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे क्रश किए हुए कोकोनट से, भुनी हुई राई और धनिए के पत्तों से। तो ये ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.